हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। टोक्यो ओलंपिक के 2021 के सेमीफाइनल में भी वह प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल मैच में चीन ताइपे की निन चेन के खिलाफ 3-2 का स्कोर बनाकर जीत हासिल किया और वह जल्द ही भारत के लिए एक और मेडल लाने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लवलीना के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि लवलीना बोरगोहेन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के छोटे से शहर गोलाघाट में हुआ। लवलीना के पिता टिकेन का खुद का अपना एक छोटा सा बिजनेस है और माता मामोनी एक हाउसवाइफ है। लवलीना बोरगोहेन की बहन लीमा और लीना नेशनल किक बॉक्सर चैंपियन भी हैं। उन्होंने ही लवलीना को इनकरेज किया था कि वह किक बॉक्सिंग स्टार्ट करे। कुछ समय तक लवलीना ने किक बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कैरियर को किक बॉक्सिंग से बॉक्सिंग में स्विच कर दिया, क्योंकि किक बॉक्सिंग से ज़्यादा पोटेंशियल लवलीना को बॉक्सिंग में नज़र आया था। यहीं से उनके करियर की स्टार्टिंग हुई। दोस्तों, यदि बात करें लवलीना के बॉक्सिंग ट्रेनिंग के बारे में, तो आपको बता दें कि लवलीना के बॉक्सिंग टैलेंट को नेशनल बॉक्सिंग कोच पोडम बोरो ने पहचाना था, जब लवलीना स्कूल द्वारा कंडक्ट किए गए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रायल दे रही थी। साल 2012 में लवलीना ने अपने बॉक्सिंग ट्रेनिंग पोडम बोरो की निगरानी में स्टार्ट की। बॉक्सर मैरी कॉम लवलीना की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। लवलीना की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन चीज़ें तब सही हुई जब लवलीना ने बॉक्सिंग में अपना नाम कमाना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लवलीना ने वुमेन्स बॉक्सिंग कोच शिव सिंह से ली थी। दोस्तों, यदि बात करें लवलीना के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि लवलीना का हाइट है करीब 177 सेंटीमीटर, यानी 5 फीट 10 इंच। वहीं इनका वजन है करीब 70 किलोग्राम। यदि बात करें लवलीना के आई कलर की, तो लवलीना का आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन ने अपने स्कूल की पढ़ाई बरपाथर गर्ल्स हाई स्कूल गोलाघाट से कम्प्लीट किया। वहीं दोस्तों, बात करें इनके धर्म के बारे में, तो यह हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको भी पता नहीं होगा। लवलीना बोरगोहेन एक भारतीय शौकिया मुक्केबाज हैं जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली असम की पहली महिला है। वह शिव थापा के बाद मुक्केबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली असम के दूसरे मुक्केबाज हैं। लवलीना आर्थिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद लवलीना के पिता ने उन्हें सहारा देने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। साल 2017 के वियतनाम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना ने कांस्य पदक जीता था। उसी वर्ष उन्होंने अस्ताना में आयोजित राष्ट्रपति कप में कांस्य पदक जीता। 2018 में लवलीना ने इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लिया और स्वर्ण पदक भी जीता। उसी जीत ने उन्हें 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह दिलाई। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने मंगोलिया के उलानबाटोर कप में रजत पदक जीता और पोलैंड में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय सिसिलियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। फिर नवंबर 2018 में बोरगोहेन ने नई दिल्ली में आयोजित EIBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। लवलीना ने 2020 में एशिया और ओशिनिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्वालिफायर में कांस्य पदक जीत कर ही 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए जगह बनाई। अपने खाली समय में लवलीना को ट्रैवलिंग करना और टेलीविजन देखना बहुत ही पसंद है। वह बिल्लियों की बहुत बड़ी शौकीन है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बिल्लियों के साथ फोटो पोस्ट किया करती हैं। 2020 में उन्हें बॉक्सिंग के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि वह अपनी शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए हमेशा वर्कआउट किया करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लवलीना को 2020 में टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिलने के बाद असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा ने उन्हें बधाई दिया और ट्विटर पर ट्वीट भी किया। दोस्तों, यदि बात करें लवलीना बोरगोहेन के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 4 to 5 million US dollar। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है जिसकी कीमत है करीब 20 लाख रुपये। तो दोस्तों, यह थी लवलीना बोरगोहेन के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।